सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो हरे ओम मा नो सो जतरा पेता
उसके बारे में बताइए और आगे। ठीक सबसे पहले तो आप सबको मना रहे हैं और आप सबको ये निभाए कि हमारे वेस्ट बंगाल में इतनी बड़ी त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ जो ऐतिहासिक विश्व शांति महायज्ञ करने जा रहा है, न भूतो न भविष्यति। मैंने तो शायद पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी सोचा भी नहीं था और न कभी सुना था। और ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं अपितु विश्व में जो वर्तमान स्थितियां जो चल रही हैं, पहले आपने देखा 2 वर्षों तक कोरोना काल में जिस तरह से हम कोरोना के वजह से पीड़ित थे, अब वर्तमान में भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं उन सब की शांति के लिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो सर्वहितरता की भावना को और विश्वानि देव सवितुर दुरिता निपरा शुभ सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करता है और समस्त विश्व के कल्याण के लिए त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ की हमारे सभी हमारे जैसे सुवेदी जी सचिव सहित हमारे सभी सदस्यगणों ने जो एक संकल्प लेकर एक इस आयोजन को एक मन में रखा था कि हम विद्यापीठ 25 वर्ष पूरे हो जाए तो हम एक ऐसा ऐतिहासिक यज्ञ करें, तो वह समय आया और आप सबके सहयोग से हम तो यही आशा करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि इस विश्व शांति महायज्ञ आप सबके सहयोग से आप सबके आहुति से ये पूर्ण हो। केवल ये हमारी केवल हमारी कल्याण की बात नहीं है, ये तो विश्व की कल्याण की बात है, राष्ट्र कल्याण की तो है, ये विश्व कल्याण की बात है। और इस यज्ञ के माध्यम से मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एक बार तो एक शांति की एक पथा ध्वजा फहराएगा, मुझे विश्वास है, और यहाँ से पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि पश्चिम बंगाल सिल्लीगुड़ी में मिलन मोड़ में एक विद्यापीठ है जहाँ से पूरे विश्व की कल्याण की कामना के लिए इतना बड़ा यज्ञ जिसमें शिव पुराण की कथा है, नौकुंड यज्ञ है, ब्राह्मणों के द्वारा आचार्यों के द्वारा विद्वानों के द्वारा प्रतिदिन आवतियाँ चलेगी और दर्शन केवल देखिए आवती तो बहुत दूर की बात है, दर्शन करने मात्र से भी पुण्य मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। हमारे जीवन के हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक मानसिक ये इत्यादि जो हमारे कष्ट हैं या हमारे जो तनाव हैं उन तनावों को भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और आप सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आपके लेखनी के माध्यम से पूरे हमारे इस बंगाल तक इस खबर पहुँचे और पूरे भारतवर्ष तक मालूम पड़े और सभी के लिए हम आह्वान करते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हरिद्वार से यहाँ आना, ये विद्यापीठ हमारा और हम सब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं और इसमें विशेष करके आपकी सहयोग है। हम तो उत्तराखंड से आए हैं और हम आपसे अपेक्षा आपसे आशा रखते हैं कि आपके सहयोग से जो हम यज्ञ करने जा रहे हैं उस यज्ञ का संपूर्ण भारत को ही नहीं अपितु विश्व को फल मिले और इस विश्व शांति की कामना से यज्ञ करने जा रहे हैं और आपका इसमें पूर्णतः सहयोग हो ऐसे हम आशा रखते हैं।